फिर से हम लोग मुड़ गए हैं राइट साइड पे पनिहार से। पनिहार पे रुको तो चाय जरूर पी के जाओ यहाँ पे। आपको याद होगा पिछले व्लॉग के अंदर यहाँ कितना पानी था, बिल्कुल गायब हो चुका। देखो कुछ नहीं बचा यहाँ। पहले यहाँ पर रोड नहीं थी यहाँ तक के लिए, लेकिन सोचो कितनी बढ़िया बात हो गई, सांख नदी तक रोड बना दी है। तो बिल्कुल अब सांख नदी के पास पहुँचोगे तो रोड ख़त्म हो जाएगी। बहुत ही सुंदर जगह है ये। वापस हम लोग नदी पे आ चुके हैं, और नदी पे आने के बाद आप थोड़ा लेफ्ट साइड पे आओगे थोड़ा जंगल की तरफ, तो आपको ये व्यू दिखेगा। यार क्या माहौल हो रहा है यार, एक नंबर लग रहा है। अरे भाई ठंडा रे पानी, इसमें डुबकी मारेंगे तो हो गया काम। वाह यार वाह, सांख नदी हर सीजन में अलग रूप दिखा रही है अपना। ये देखो डेढ़ भैया ने करी है मेहनत। अरे दोस्तों ये मेरा कैंप है, फाइनेंस करा के लाया। प्रॉपर्टी खरीद लिया हमने, अच्छे से रिपेयर हो महीने। कब्जा कर लो, कब्जा ग्वालियर में कब्जा बहुत होता है, कब्जा कर लिया हमने। हमारा एरियो है, हमारा एरियो के पीछे देखो नदी है। कहाँ चाहिए तुम्हें ऐसे यार? और क्या, बेगड़ में कब्जा कर लिया हमने, बेगड़ में कब्जा। अब हम बनाएंगे मैगी। मैगी के लिए बस कुछ नहीं, पानी, हमारा स्टोव। देखिए नदी से पानी, नदी के पानी में से बाइक को पार करा रहे हैं। हम लोग भी गए थे एक बार। स्टार्ट हुआ नहीं, पहले ही आ गए लोग। भंडारा शुरू हुआ नहीं, खुशबू ढूंढ के पहले ही लोग आ गए दूर दूर से। पेट पूजा करने के बाद अब हम लोग थोड़ा, मैं अकेला निकला हूँ थोड़ा जंगल की तरफ। पूरा जंगल है और ये मतलब ये आगे जाके शिवपुरी वाला जो जंगल है ना, और जो शिवपुरी नेशनल पार्क है, माधव नेशनल पार्क, वहाँ जाके ये ख़त्म होता है पूरा जंगल। पूरा जंगल वाला एरिया है और इसमें हम चलते हैं आगे की तरफ। इसे देखो पीछे छोटे छोटे पहाड़ भी है, विंध्याचल रेंज के पहाड़ हैं। थोड़ी ढलान है, इस वजह से पानी यहाँ गिर रहा है, आवाज़ आ रही है यहाँ पे। आगे जाओगे तो पानी शांत है बिल्कुल। लोमड़ी 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 बाबा बता रहे हैं कि गोमरा एक जड़ी बूटी है जो यहाँ मिलती है। हाँ, इसकी जड़ें जो हैं वो शिवपुरी जाती हैं काट के। किंगफिशर हमला करने वाला है, क्या पता किंगफिशर कैप्चर हो जाए आज हमला करते हुए। मज़ा आ जाएगा हमला करते हुए कैप्चर हो गया तो। वो देखिए ये वो है पाइप्ड किंगफिशर, पाइप्ड कहते हैं इसे। घुस गई,
यार नहीं मैंने नहीं मैंने अंदर शॉट पूरे घने जंगल में आ चुके हैं हम लोग। ये देखो सामने बिल्कुल घना है क्योंकि नदी ठहरी हुई है यहाँ पे और इसके आगे बह रही है तेज, पीछे मतलब भर गई है, ठहरी हुई नहीं है मतलब एक जगह भर गया है बहुत ज़्यादा पानी। वहाँ पे अच्छा ही अलग ही क्लाइमेट चल रहा है, बिल्कुल पानी बहुत ज़्यादा भर चुका है तो जानवर भी हैं यहाँ पे और पक्षी वक्षी तो हैं ही, बाकी नदी बहुत तेज़ चल रही है यहाँ पे। यहाँ पे अभी हम लोगों को जंगली सुअर दिखा, बाकी जानवर तो दिख ही रहे हैं। पेड़ के ऊपर तो वो भी उतर गए नीचे, देखो यहाँ लंगूर भी हैं। ये लंगूर बैठे पहाड़ के ऊपर, कितनी सुंदर जगह है यार। और ये पूरा घना हो चुका है यहाँ जंगल, तो यहाँ बैठने में मज़ा आता है हम लोगों को। बस प्रॉब्लम यही थी बाइक, यहाँ बाइक नहीं आ पाएगी, आ जाएगी तो टूट जाएगी, पत्थर बहुत ज़्यादा है ना यहाँ पे इस चक्कर में। शांत नदी है, वो हम लोग आ चुके हैं नदी का सबसे बड़ा पार्ट है, बहुत ही बड़ा है ये तो। ये देखिए कितना सुंदर है, यहाँ मछलियाँ उछल रही हैं। नया एक्सप्लोर मिला, कुछ आगे जंगल का पार्ट देखा हम लोगों ने, और अगली बार आएंगे सुबह सुबह बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग सनराइज पे, तब पूरा कवर करेंगे अच्छे से, और भी जो आसपास हो सकता है कोई छोटा मोटा वाटरफॉल भी हो, क्योंकि नदी है और अगर पहाड़ी वाला एरिया है तो कुछ ना कुछ पानी ऊपर से गिरा होगा तो वाटरफॉल क्रिएट होगा। वो वाटरफॉल होते हैं बस ढूंढने की देर है, यहाँ किसने ढूंढा होगा, कभी आया होगा यहाँ उस टाइम पहले शिकार करने आते होंगे महाराज है ना, उसके पहले तो कोई नहीं था शिकार करने आते, तो यहाँ कोई रेस्ट हाउस होता, यहाँ कोई रेस्ट हाउस या फिर कुछ वैसे बना नहीं है, इसका मतलब यहाँ शिकार करने भी शायद लोग ना आते हो, पता नहीं। तिगरा का बैक साइड है सोच रही अभ्यारण के अंडर आता था पहले, ये अभी भी आता है लेकिन सोच रही अब नहीं रही, सोच रही बहुत कम ही दिखती हैं और इस रीजन में दिखती नहीं है, या तो शायद लोग ख़त्म कर देते मार के, या फिर सोच रही का मेन रीज़न ये था कि वो बिजली की तारों में फंस जाती है, क्योंकि छोटी चिड़िया बड़ी चिड़िया है, काफ़ी हेवी चिड़िया है तो ज़्यादा ऊंचा नहीं उड़ सकती, बिजली की तारों में फंस के बाबा मर चुकी हैं ऐसे, तो ये रीज़न्स हैं सोन चिड़िया का ख़त्म होने के। बाकी सोन चिड़िया अभी जैसलमेर और गुजरात में दिख सकती है अभी भी, जो ग्रास लैंड्स हैं वहाँ। चलते हैं यहाँ से, आज वैसे 31 तारीख है और ये ब्लॉग शायद कल मैं डाल दूंगा एक को, और इससे पहले कुछ और जगह भी गया था मैं, मतलब अभी चंबल की सीरीज़ के बाद डाल रहा हूँ ये वीडियो में, और चंबल के बाद भी मैं पंचनद गया था, एक दो जगह गया था, तो वहाँ के वीडियो अभी आएंगे इस वीडियो के बाद, ठीक है। तो क्योंकि न्यू ईयर है तो न्यू ईयर पे कुछ नया देखो आप, बहुत टाइम से अपन लोग नदी और गांव नहीं नदी थोड़ा सा चंबल एरिया कवर कर रहे थे, अब थोड़ा सा हम लोग फॉरेस्ट में थोड़ा कैंपिंग वाला जो माहौल है उसका व्लॉग डाल रहा था मैं। मिलते फिर, अभी बहुत कुछ कवर करना ज़िंदगी में, पता नहीं कब तक चलेगा, बस साथ रहे आप लोग और क्या, चलो।
दूर दूर तक हरे रंग के पहाड़ खेत हैं। पीला और हरा क्यों है बता, आपको पता ही है, जो हरी है वो अभी सरसों उगी नहीं है और जो पीली है उसमें सरसों का फूल आ चुका है। बहुत सुंदर नज़ारा लगता है हमें जब भी यहाँ से आता हूँ तो, यहाँ बहुत सुंदर लगता है। देखिए पूरे पत्थरों के अंदर इन्होंने करा हुआ है और पता नहीं क्या है यार, इतनी जॉ लगी है यार। बताया है कि ये सेम की बेल है, सेम जो फली है शायद, है ना, उसी की। तो ढक्के क्यों लगाई है समझ में नहीं आया, कभी बाद में पूछेंगे।